मन का तुम्हें दौड़ाया किलाया तू मन का भीतर ही चंगे चरों नियार देना आए आए जाइरा ने रजनी लगी जाने बच्ची पलिया मेरी बच्ची रही ये नहीं कहता ना पक्षी पक्षी ये है हाँ बड़े देर में ऐसे दबेने गए मिले नहीं मुझको कुछ मेरा किया है नहीं नहीं जी सर नमस्ते जी जी सर सर मैं इधर का जूता बड़ी बेदर्दी से आतंकवादियों ने हत्या कर दिया इसको लेकर क्या कहना आपका लेकिन सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ की बच्ची है सांबा की उसकी हत्या के ऊपर बहुत ज़्यादा अफसोस है मन भरा हुआ है मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब बहुत हो गया क्योंकि इस लड़ाई को मैं सीधे लफ्जों में बोलूँगा हमारी एक ही स्टेट है जम्मू कश्मीर और उसमें एक प्रांत है जो मुस्लिम बहुल है तो ये हाल है वो लोग जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं वो क्यों आगे नहीं आते अगर बुहरान बानी मरता है तो वहाँ लाखों लोग जाते हैं अगर किसी गरीब की हत्या होती है क्यों वो सड़कों पर नहीं आते कौन होता है पाकिस्तान किसी के घर में घुस के कोई चीज़ करनी इतनी आसान नहीं है मैं आज भी ये कहता हूँ कि सरकार को वही फार्मूला लेना चाहिए जो इनको सूट करता हो वही भाषा में बात होनी चाहिए जैसे जैसे पंजाब में हुई थी और वहाँ शांति होगी आज आप देखो 35 साल हो गए पंजाब में शांति है और फिर वहाँ पर एक सरकार आई है जो फिर से उसको बढ़ावा दे रही है लेकिन अंततः हम ये चाहते हैं कानून का राज होना चाहिए आम इंसान को जीने का अधिकार होना चाहिए भाई आप कौन होते हो किसी के हक को छीन के उसकी जान लेने वाले ये काम सरकारों का है और निश्चित तौर पर मुझे पूरा विश्वास है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इस पर कड़ा संज्ञान लेंगे जो टारगेट किलिंग है ये एक मैं कहता हूँ कि एक और ये जो टारगेटिंग किली की जा रही है बहुत ही निंदनीय है टीचर एक नेशन बिल्डर होता है टीचर एक गुरु होता है वो सबको एक सही रास्ता दिखाता है और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो कश्मीर के लोग हैं उनको ये सोचना होगा कि ये जो रास्ता उन्होंने अडॉप्ट किया है ये सही नहीं है इसलिए उनको सोचना होगा कि इससे हमारे जम्मू कश्मीर का जो सिस्टम है वो ख़राब हो रहा है दिन प्रतिदिन इसलिए इनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और हमारा एरिया जो है पूरा जो दुख में जो माहौल बना हुआ है आज देख रहे हैं पूरा हमारा गांव शहर जो है वो इस घड़ी में पूरा इन परिवार के साथ है लेकिन इसकी जितनी बड़ी ये दुखदायक घटना है कि जो बच्ची हमारी यहाँ से स्कूल में काम करती थी उनके टारगेटिंग किलिंग हो रही है कश्मीरी नेता ही कहते हैं कि ये सियासी मामला है इसको जो बातचीत से ही सुलझाना चाहिए क्या कहना चाहिए देखिए आज सांबा जिले की हमारी बडेरी पंचायत में नानकचक गांव की हमारी बहन रजनी बालाजी जो जिला कुलगांव कश्मीर की जिला कुलगांव के गोपालपुरा में पोस्टेड थी
2009 से वो वहाँ टीचर के पद पर वहाँ पे पोस्टेड थी। उनके हस्बैंड भाई राजकुमार जी वो भी वहीं उसी ज़िले में पोस्टेड थे। आज सुबह हमें मीडिया के द्वारा खबर मिली कि उन पर एक जानलेवा हमला किया गया स्कूल के प्रांगण में, स्कूल कैंपस के अंदर उन पर हमला किया गया। वो गंभीर रूप से घायल हुई और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर उनको ब्रॉड डेड घोषित किया गया। मिलिटेंट्स के द्वारा ऐसी हरकतें जो है काफ़ी समय से हम देख रहे हैं और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस भी पूरी इनको एलिमिनेट करने में, ख़त्म करने में कामयाब हो भी रही है। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि धारा 370 और 35A के हटने के बाद कहीं ना कहीं जो मिलिटेंसी का एक सफाया सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ किया था, उस चीज़ को ये दर्शाने के लिए, अपनी उपस्थिति को दिखाने के लिए कि मिलिटेंसी जो है, टेररिज्म जो है, वो कश्मीर में अभी भी पनप रहा है, इस तरह की हरकतें पाकिस्तान स्पॉन्सर मिलिटेंट्स कर रहे हैं। और निहत्थे लोगों पर जो लगभग 2009 से लगभग 13-14 साल से वहाँ पोस्टेड हमारी बहन रजनी बालाजी, जिनका अगर जो हमें फीडबैक आ रहा है कि स्कूल के जो माहौल था बहुत अच्छा था, जहाँ वो रहती थी लोकल लोगों के बीच में वहाँ भी माहौल अच्छा था, कोई किसी के किस्म का कोई थ्रेट नहीं था उनको, उनकी जान माल को कोई खतरा नहीं था। लेकिन मिलिटेंट जो है एक भड़काऊ माहौल बनाने के लिए, शांति को भंग करने के लिए कहीं ना कहीं ऐसी हरकतें करते हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस अगर उनको एलिमिनेट करती भी है, लेकिन मैं उसके बाद जो हमारी एजेंसीज़ हैं, हमारे आईजी साहब हैं, मैं निवेदन करूंगा कि माइनॉरिटी कम्युनिटी की जो वहाँ पे पोस्टेड है, खास करके हिंदू जो एम्प्लाइज हैं, वो चाहे एससी एम्प्लाई है, चाहे वो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट एम्प्लाई है, चाहे वो पैकेज में है, चाहे वो नॉन पैकेज में है, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। कहीं ना कहीं सुरक्षा में भी चूक होती है। इतने बड़े स्कूल में अगर एक गाँव में एक महिला वहाँ पोस्टेड है, तो अगर उनको एक एक को हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, लेकिन उस कैंपस में जो है जहाँ ये हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लोग हैं, उनको वहाँ सुरक्षा दी जानी चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी एक चूक है कि बार बार ये हमले हो रहे हैं, टारगेटेड किलिंग हो रही है और सिलेक्टिव किलिंग हो रही है। इसको रोकने का एक ही रास्ता है कि इस तरह के लोगों को ढूंढ के मारा जाए, चुन चुन के मारा जाए, और जो गरीब वहाँ पर हमारे साथी, हमारे भाई बहन वहाँ पर पोस्टेड है, उनकी सुरक्षा का जो है ध्यान रखा जाए।